आप सबने अपने जीवन में एक बात अवश्य देखी होगी, जब कोई भी मंदिर बंद किया जाता है तो उसके ताले बाहर से लगाए जाते हैं। लेकिन एक बार एक मंदिर में ऐसी विचित्र घटना घटित हुई जिसे देखकर सब हैरान हो गए। किसी स्थान पर एक मंदिर विराजित था, वहां पर एक भक्त निरंतर आकर पूजा सेवा किया करते थे। पूजा सेवा के पश्चात जब वह वहां से वापस आते थे तो उस मंदिर से निकलने के पश्चात उस मंदिर को ताले से बंद कर देते थे, जैसे कि उस मंदिर में कोई चोर आकर माल को हानि न पहुंचा सके। एक बार कोई भक्त मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे थे, तभी अचानक से मंदिर के बाहर संतों की एक मंडली आ गई। संतों ने आवाज देकर कहा, कोई भक्त है जो हमें भोजन कराए। तब वह भक्त अंदर बैठे थे, वह भागते हुए संतों के पास आकर कहने लगे, मेरे लिए क्या आज्ञा है? संतों ने कहा, भूख लगी है, भोजन करा दो, रात्रि का समय है, अब कहाँ भटकेंगे। उन संतों की यह बात सुनकर उन भक्तों ने भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात संत पूछने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? तब वह कहने लगे, मुझ दीनहीन को श्री दास जी के नाम से जाना जाता है। संतों ने पूछा, करते क्या हो? वह कहने लगे, सारा दिन परमात्मा के मंदिर में बैठा रहता हूँ, रात्रि के समय परमात्मा को बंद कर अपने घर चला जाता हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर बंद करने जाऊँ, क्योंकि मंदिर बंद करने का समय हो गया है। इस प्रकार आज्ञा लेकर जैसे ही वह मंदिर की ओर जाने लगे, उन्होंने मंदिर के अंदर जाने का प्रयास किया, पर मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद था। अब रात्रि के समय उन्हें तो इस बात का ज्ञान नहीं हुआ। वह सोचने लगे, हो सकता है मेरे कारण ही किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो। वह अपने घर चले गए। प्रातः काल हुआ, स्नान आदि से निवृत्त होकर वह जैसे ही मंदिर के दरवाजे के निकट पहुंचे, उन्होंने देखा मंदिर पर तो कोई ताला नहीं है। उन्होंने मंदिर का गेट खोलने का प्रयास किया, पूरी ताकत लगाने के बाद भी मंदिर का गेट खुला नहीं। वह विचार करने लगे, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? ना तो ताला लगा है, ना कोई मंदिर के अंदर है, फिर भी यह गेट खुल क्यों नहीं रहा है? तब उन्होंने परमात्मा को पुकारते हुए कहा, हे नाथ, मुझसे कौन सा अपराध हुआ है जिस अपराध की आप यह सजा दे रहे हैं? देखिए, गांव के कितने लोग आपका दर्शन करने आए हैं, यह मंदिर का दरवाजा खोलिए। तब अंदर से मूर्ति की आवाज आई, हे भक्तराज, कल तुमने अपराध किया है, कल तुम मुझे शयन कराए बिना ही अपने घर चले गए थे। तब वह भक्त कहने लगा, महाराज, मैं तो आया था शयन कराने, पर आपका दरवाजा बंद था। कल तो मैंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, पर अभी प्रातः काल जब मैंने देखा है तो यह दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। तब भगवान क्रोधित हो कहने लगे, तुमने कल मुझे शयन नहीं कराया, इस अपराध के कारण मैंने ही यह दरवाजा बंद कर दिया है, अब तुम अंदर ना आ सकोगे। तब भक्त कहने लगा, महाराज, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो संतों की सेवा की थी। अगर संतों की सेवा करने के पश्चात भी अगर आपकी सेवा में कोई त्रुटि हो जाती है तो यह अपराध अपराध नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी सेवा करते करते संतों की सेवा में त्रुटि हो जाती तो वह बड़ा अपराध बन जाता। मैं संतों के प्रति अपराध नहीं कर सकता था, आपके प्रति अगर अपराध हो गया है तो उसकी मैं क्षमा मांग सकता हूँ। अपने भक्त की यह बात सुनते ही भगवान ने अपनी शक्ति से तुरंत वह दरवाजा खोल दिया, और जैसे ही वह भक्त अंदर गया, कहते हैं एक प्रकाश उस मंदिर में प्रकाशित होने लगा, देखने वालों को बड़ा आश्चर्य होने लगा। तब उस प्रकाश में से कुछ ऐसा अद्भुत प्रतीत होने लगा कि भगवान अपने भक्त को आलिंगन कर रहे हैं। तब वह भक्त रोते हुए कहने लगा, हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। तब परमात्मा की मूर्ति ने पुनः आवाज देते हुए कहा, कल तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अतिथि तुम्हारे घर आए, तुमने उनकी सेवा की है। अगर तुम उनकी सेवा का त्याग कर मेरी सेवा में लगे रहते तो मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करता। अतः तुम्हारे घर पर जो भी मेहमान आए उसकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। अतिथि की सेवा करना, संतों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की जो सेवा करता है मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूँ। हे भक्तराज, तुमने मेरे हृदय को जीत लिया है। तो ऐसे परम पावन भक्त जिन पर परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भक्तों के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।